गाइस बात करने वाले हैं मौनी राय और शरद मल्होत्रा के बारे में। आप लोगों को पता होगा ये जोड़ी अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आई है, कोई टीवी इंडस्ट्री में अभी तक ये जोड़ी नज़र नहीं आई है और ऐसे में इस जोड़ी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं तो कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है नागिन सीजन 7 में आपको यहाँ पर मौनी राय नज़र आ जाएँ, क्योंकि एकता कपूर पूरी कोशिश कर रही है नागिन के कैरेक्टर में एक बार फिर से मौनी राय को लाने के लिए। सो देखने वाली बात होगी क्या नागिन सीजन 7 में मौनी राय एंट्री करती हैं या नहीं, और अगर वहाँ पर वो एंट्री करती हैं और जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं तो हो सकता है वहाँ पर उनके अपोजिट शरद मल्होत्रा एक बार फिर से नागिन सीजन 7 में एंट्री करें, जिस तरीके से नागिन सीजन 5 में करी थी और वीर और बानी की जोड़ी काफ़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। हो सकता है मौनी राय के अपोजिट भी ये जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हो, या फिर कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मौनी और शरद की बात करें तो दोनों की वेब सीरीज़ भी आ सकती है। जी हाँ, दोनों ही फिलहाल बात करें अगर शरद के बारे में तो वो अब डेली शो में नज़र फिलहाल नहीं आ रहे हैं और ना ही अभी तक कोई शो उन्होंने साइन किया है। सो ऐसे में उम्मीद ये करी जा रही है कि वो वेब सीरीज़ की ओर ध्यान देना चाहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं और यही वजह है कि दोनों की वेब सीरीज़ आने वाली हो जहाँ पर उनके अपोज शरद मल्होत्रा नज़र आएँ। सो देखने वाली बात होगी कि इस जोड़ी को कितना प्यार मिलेगा। इस जोड़ी को लेकर खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि मौनी और शरद एक दूसरे के अपोज नज़र आने वाले हैं, यानी साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए नज़र आएंगे। फैंस के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि शरद की बात करें तो शरद को देखने के लिए फैंस लंबे टाइम से एक्साइटेड हो रहे हैं और लगातार खबरें भी सामने आ रही थी और फाइनली अगर शरद मल्होत्रा मौनी राय के अपोजिट नज़र आते हैं तो वाकई में ये जोड़ी भी सुपर डुपर हिट साबित हो सकती है और फैंस के लिए से बड़ी गुड न्यूज़ भी तो कोई नहीं हो सकती है। सो क्या कुछ आपका कहना है जोड़ी को लेकर कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नागिन सीजन 7 के जरिए जोड़ी नज़र आती है तो वाकई में ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होगी। नागिन सीजन 7 के जो फैंस हैं वो भी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि एक बार फिर से मौनी राय को वापस लेकर आना चाहिए एकता कपूर को। सो देखते हैं कि इस बार क्या मौनी राय वापसी करती हैं या फिर थोड़ा सा इंतजार अभी और करना पड़ेगा। जो कुछ होगा आने वाले टाइम में पता चलेगा। एक्साइटमेंट कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।